हुजूर क़िबला बाबा जी हुजूर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, जो अहबाब दाएं बाएं घूम रहे हैं आप इन तशरीफ़ फरमा हो, और जो अहबाब ये मिलने के लिए मसाफा के लिए आ रहे हैं आप बराए मेहरबानी तरतीब से कतार में खड़े हों। बेटा अभी सारे अहबाब जो लाइन में आए, ला Allah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ये भी आया ट्रेन कोड हाँ तो स्वामी उन्होंने दिया ना तो ये लगाओ मैं ये लगा देता हूँ अच्छा ट्राइपॉड है ये बड़ा इंग्लैंड से है نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى على حبيب شانه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد الصلاة ہم سب کی توجہ محبت کا محور و مرکز حضور اللہ بابا جی حضور دامت برکاتہ قدسیہ سرمائے ہوئے سنت گلے گلشن چولا شریف حضور اللہ صاحبزادہ پیر سید محمد فضل عثمان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ اور آلے سلام پیش کرتا ہوں رون کے پورا شریف اور اگر میں یوں کہہ دوں کلندرانہ مزاج رکھنے والے پورا شریف کے خوبصورت پھول صاحبزادہ پیر سید فضل نعمان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ
गुलशन चूड़ा शरीफ की बहार, साहबजादा सैयद मोहम्मद फजलुर रहमान शाह साहिब कायनात का शुक्र है कि जिस दी हुई तौफीक के साथ आप और मैं एक बार फिर मुर्शिदे गरामी की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस आस्ताने को ता कयामत सलामत रखे और हुजूर क़िबला बाबा जी हुजूर के पूरे खानदान को शरीरों के शर, हासदों के हसद, बुग़्ज़ों के बुख़्ज़ से महफूज फरमाए और ता कयामत इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पे सलामत फरमाए, ताकि आपके इल्मी और रूहानी फैजान से अवामी अहले सुन्नत फैजियाब होती रहे। इस बज़्म का आगाज जो कि मरकजी नशिस्त है उस कलाम से करते हैं जो कलाम मेरे अल्लाह का है, मकाम मेरे मुस्तफ़ा का है, कलाम मेरे अल्लाह का है, शान मेरे मुस्तफ़ा की है, चलता मेरा मुस्तफ़ा है और वही मेरे खुदा की आ जाती है, और जब 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 ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलती है तो कुरान बन जाता है, और वो कुरान जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अख़लाक़ कैसी हैं, तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, पूरा कुरान मेरे नबी का इखलाक है। मैं उस कारी कुरान को दावत देने लगा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें ये एजाज हासिल है कि उन्हें बाबा जी हुजूर की गुलामी भी मयसर आई और तवील अरसा से बाबा जी के कदमों में आपकी खिदमत भी करते हैं, मंजूर नजर हैं, रब की पाक कलाम को खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं और दरबार आले चूड़ा शरीफ का ये फैजान है, और इसी फैजान की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। उन्हें दावत देने से पहले सिर्फ इतनी गुजारिश कि आप भी सारे मोहब्बत के इजहार के लिए आए हैं। होना तो ये चाहिए कि जो आदमी भी उससे पाक की तकरीब में आता है वो कम अज़ कम 1000 बार दूध पाक पढ़ के सारे सवाब के तोहफे में शामिल जरूरी हो गया। अगर ज्यादा नहीं कर सकता, मैं एक बात करता हूँ इब्तिदा में, बाबा जी हुजूर ने एक हुक्म फरमाया था कि इंसान को चाहिए कि वो रोजाना अगर एक पारा नहीं पढ़ सकता ना, आधा पारा नहीं पढ़ सकता, एक पाव पढ़ ले, लेकिन कुरान रोज पढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताने का मकसद ये है कि आप भी इस पर अमल करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगाहों का फैजान रोजाना कुरान पाक जमा पढ़ता हूँ। मेरा पहला काम नमाज के बाद नहीं होता है, और आपसे भी गुजारिश है कि उससे पाक में खाली बगलें झाड़ते हुए हम ना जब आते हैं तो पीर साहब ने कभी किसी से नजराना नहीं मांगा, और ना हमारी औकात है, जो कुछ भी है वो इन्हीं का है, लेकिन कम अज कम हम कुछ कलामे इलाही दूध पाक पढ़ के कुछ तो ला सकते हैं। इसलिए हवा से मोहब्बत भरी गुजारिश है, आज जो नहीं ला सका आइंदा के लिए अपने जहन में रखें कि उससे पाक की तकरीब में जब जाना है कोशिश करें एक कुरान मजीद फुरकान हमीद अगर साल में ख्वाजाने चूड़ा शरीफ की बारगाह में हदीये के लिए पढ़ लें तो कोई बड़ी बात नहीं, और दुरूद पाक हर वक्त पढ़ा करें।
और आइंदा उस पे जो भी आदमी आए, मैं दुआ करता हूं कि कोई आदमी खाली हाथ ना आए, हर आदमी कुछ ना कुछ पढ़ के आए, ताकि आने का जो असल मकसद है फ्यूज और बरकत मजीद बढ़ जाए। और पढ़ना भी ये ख्वाजगान चूंकशीफ का फैजान ही है। बस इतनी बात कहता हूं, अब जो जो अभी अपना हिस्सा मिलाना चाहता है ना, वो जरा दायां हाथ बुलंद करके बा आवाज़े बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। मैं जना मोहतरम कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी मुजद्दी साहब से बड़े ही मोहब्बत से गुजारिश करूंगा, आप तशरीफ लाए और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बैनात से हमारी समातों को महमूद फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो ये क्या मामला है कि सिर्फ तीन आदमियों ने दुरूद शरीफ पढ़ा? मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तस्वीर क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी मैंने पढ़ा सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा इधर एक और आदमी बैठा हुआ था तो वो पढ़ रहा था सुन ला। अब समझ नहीं आ रही थी वो क्या पढ़ रहा है, ना तो ये कॉन्फ्रेंस है, ना ये कोई सियासी जलसा है, ना ये कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम है कि जो भाई सारे चंदा दो और उसके ऊपर हम महफिल करें। ये उर्स पाक की महफिल है, जो आया है मालिक उसको भी जानते हैं, जो नहीं आया उसको भी जानते हैं, और जो बिल्कुल सफ़र करके आया है उसे भी जानते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ के लिए आया है उसे भी जानते हैं। ना खान और उलमा नाराज ना होना, जो इरादतन इस नीयत से आए हैं कि हम बाबा जी के बस पे जा रहे हैं वो उनको भी जानते हैं, और जो सिर्फ इसलिए आए हैं कि चलो एक देखा मेला ठेला तो उसको भी जानते हैं। बड़ा मामला ये कि ये ना खानी शेर व शायरी तुझे, ये मुझे बहुत फन आता है। आखिर मैं एक बूढ़ा आदमी अरसे से चल रहा हूँ तो ये समझता हूँ मैं, हाजिरी हो जाए मालकों के कदमों में बस बात बन जाती है। तो इसलिए जब ये दुरूद शरीफ का कहें कम से कम खुद नहीं पढ़ते तो लेट कहें तो फिर तो पढ़ो। और ये मैं एक हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, उलमा तस्दीक करेंगे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने मुझसे जफा की है जिसके सामने मेरा नाम लिया गया उसे मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा। बताओ जी क्या ये हदीस है या नहीं है? क्या फरमान है मेरे आका करीब का कि उसने मुझसे जफा की है जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और उसने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा। और बिलखसूस दो बातें याद रखें, एक दुरूद शरीफ की दावत, दूसरा ये आयत मुबारक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। ये मुफस्सिरीन का इशारा जो है वो मैंने देखा है कि किस तरफ है कि जब ये दो काम दुरूद शरीफ की दावत दी जाए या ये आयत पढ़ी जाए तो सुनने वालों के ऊपर वाजिब हो जाता है कि वो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पे दरूद शरीफ पढ़े। एक मर्ज की दरूद शरीफ दवा नहीं है, लाखों मर्जों की दवा है, लाखों मर्जों की दवा है जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। दो चीजें, कुरान करीम की तलावत बिला नागा और दरूद शरीफ। ये करीब रफीक साहब बैठे हुए हैं, अभी ये बिल्कुल जंग थे, काम करते थे फैक्ट्री में, तो मुझसे इन्होंने वजीफा पूछा था, मैंने कहा सूफी साहब दरूद शरीफ पढ़ा करो मगर आपकी कोई सुबह खाली नहीं होनी चाहिए कुरान करीम से। ये रियाकारी पाई जाती है इस तरह जिनके ऐलान करना ये करना वो करना, मगर नहीं, अगर किसी को सबक देने के लिए को बात की जाए तो वो रियाकारी नहीं होती, वो सबक होता। इसलिए ये वाजिब हो जाता है कि अगर किसी को ये कहा जाए कि दुरूद शरीफ पढ़ो तो वो इग्नोर कर जाए
یا وہ آدھا پڑھے اور آدھا پڑھے, اور یہ فیصلہ ہے, یہ فیصلہ ہے کہ لکھنے والا جب آقا کریم کا نام لکھے وہ سواد نہ لکھے, اور مخفف سواد لام عین میم سلم بنتا ہے وہ بھی نہ لکھے, وہ بھی گناہ ہے اس کا بھی. اس لکھنا ہے تو پھر پورا سلم دا ہو علیہ وسلم, آقا کریم کا نام لکھنے کے بعد پورا درود شریف. تو جب دعوت دی جائے تو پھر بھی نہ پڑھا جائے تو پھر افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر. اب کوئی زبان جو ہے نا یہ خاموش نہ رہے, جھوم جھوم کے اس ارادے سے درود شریف پڑھیں کہ بابا جی کی وساطت سے ہمارا درود شریف کا تحفہ جو ہے وہ مدینہ والے آقا سن رہے ہیں. پڑھیں
Yeah.
जो खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद फरकान हमीद की आयात बयानात की तिलावत के साथ हासिल कर रही थी। खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ है, खालिक़े कायनात हम सबको कुरान मजीद फरकान हमीद सही सही पढ़ने, इसको समझने और समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात का जिक्र हो जाए बजे तख्लीक कायनात का जिक्र ना हो, खुदा का जिक्र हो जाए महबूब खुदा का जिक्र ना हो, कुरान का जिक्र हो जाए साहिब कुरान का जिक्र ना हो, महफिल मुकम्मल नहीं हो सकती। और आए क्यों हैं, तलब क्या है, रहमत की भीख सैयद अबरार चाहिए, मंगते तो और कुछ नहीं सरकार चाहे। सुनने सारे आए हैं, जो जो मोहब्बत का इजहार करना चाहता है जरा आवाज़ें बुलंद हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। सुनिए, रहमत की भीख सैयद अबरार चाहिए, मंगते को और कुछ नहीं सरकार चाहिए, सौदाए सैयद अबरार चाहिए, दिल दौलते सरूर से सरशार चाहिए, जी चाहता है मैं रहूं कदमों में आपके, मुझको दयार पाक में घर बार चाहिए, दुनिया से वास्ता है ना उपवास कुछ गरज, चश्मे करम बस आपकी सरकार चाहिए, और चारा घरों से हो न सका जब इलाज हम, बोले इसे नबी ये गम खार चाहिए, कर चाहते हो प्यार से देखे तुम्हें खुदा, अल्लाह के हबीब से भी प्यार चाहिए, और दुनिया के माल और सर का सवाल ही नहीं हूँ मैं, मुझको हुजूर दौलते दीदार चाहिए, जारी हो अश्क आंख से लब पर दरूद हो, पेशे नबी कुछ इस तरह इजहार चाहिए, और पढ़ता रहे दरूद वो जाते रसूल पर, पढ़ता रहे दरूद वो जाते रसूल पर, जिस शख्स को भी गुरबते सरकार चाहिए, आका जलता जाए नियाजी है दम ब दम, पेशे नजर हजूर का दरबार चाहिए, पेशे नजर हजूर का दरबार चाहिए। आपकी इन भरपूर मोहब्बतों में इस सेवान के पहले मेहमान को दावत देने से पहले ये भी अर्ज करता चलूं,
क्या किया हमें इस खुसूसी तकरीब में उस्तादुल खुतबा शहंशाह खताबत हजरत किबला पीर मोहम्मद अबू बकर चिश्ती साहिब दामत बरकातुहु से आपने आना था। अल्लाह ताला आपको उससे दुरुस्ती अता फरमाए। बुजुर्ग हैं, हमारे मसल की पहचान और शान है। अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे सौदे कायम दायम फरमाए। आपके हर लम्हा हर लहजा मंजूर नजर और खिदमत गुजार सूफी गुल मोहम्मद चिश्ती साहिब आपकी नुमाइंदगी के लिए तशरीफ लाए हैं, तो इन्हें पहले इस वजह से मौका दिया जा रहा है कि जिम्मेदारी बहुत है, तो इन्होंने जाना भी है। और दूसरी बात, इंशाअल्लाह आज की इस खूबसूरत तकरीब में बाबा जी हजूर के मंजूर नजर और मैं गुजरू को हूँ, आने वाले वक्त में हमारे आस्थाने का एक असासा है नौजवान हाफिज मोहम्मद उमैस। इंशाअल्लाह अब हमारी उम्रें ढल रही है, हर आने वाला जो लम्हा है क्या खबर किस वक्त सूरज ढल हो जाए। सदा किसी ने नहीं रहना, जो आया है उसे दुनिया से जाना है। और हमने जाने से पहले पहले इस अंदाज में जिंदगी को गुजारना है कि हर जगह पे दूसरा आया। अल्लाह ताला इस नौजवान को सेहत तंदुरुस्ती वाली दराज में अता फरमाए। हमारे छोटे भाइयों की तरह है, भतीजों की तरह है। इंशाअल्लाह आगे नजामत के फराइज वो भी अंजाम देते रहेंगे और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ बाबा जी हजूर की निगाहों का सबका। तो मैं सूफी गुल मोहम्मद चिश्ती साहब से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज से इस बज़्म के दौरान उन मोहब्बतों का इजहार भी फरमाएं और दुआओं से भी सरफराज हों। जना मोहतरम सूफी गुल मोहम्मद चिश्ती साहब। हज़रात ज़ुल्कार खुश नसीब हो उस आस्थान पे और उन वलियां दे कदमां दे विच तुहानू हाजरी नसीब हुई है। इस आस्थान दा फैज़ अलहमदुल्ला पूरी दुनिया पे आया हुआ है। अल्लाह दे मकबूल बंदे दे दर ते आने वालों एक दुआइया शेर दे नाल अपनी हाजरी पेश करांगा। दुआ कर लेंगे सारे, दुआ सी करांगे, निगाह पीरां दी होएगी और सादे मज़ार दी होएगी, तो सब से बेरे पार हो जाएंगे। पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते महरूम